हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम पढ़ते हैं कहानी। कहानी का नाम है धन्यवाद। राम्या लकड़हारा था। रोज वह सवेरे जंगल जाता था, शाम तक लकड़ी काटता और उनके गठरी बनाकर बाजार में बेचने जाता। वह अपने साथ दोपहर का भोजन भी जंगल ले जाता था। दोपहर में भोजन करते समय उसके पास नियमित रूप से एक तोता उड़कर आता था। राम्या उसे भी रोज थोड़ा सा खाना दे देता था। पास ही एक छोटा सा झरना था। भोजन के बाद वहीं से राम्या पानी पीता। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। ये राम्या लकड़हारा और ये खाना खा रहा है खुद, और ये तोते को खिला रहा है। एक दिन उसने अपना भोजन किया और तोते को भी दिया। उसने बरगद के पत्तों का छोटा सा दोना झरने से पानी पीने के लिए बनाया। जैसे ही वे पानी पीने के लिए तैयार हो रहा था, वैसे ही तोते ने उसके हाथ पर चोंच मारा और पत्तों का दोना फट गया। ऐसे बार बार पानी पीने के लिए राम्या का तैयार होना और तोते का चोंच मारकर पानी नहीं पीने देना चल रहा था। ये तोता और ये राम्या, इसको ये पानी नहीं पीने दे रहा। तंग आकर राम्या ने पानी पीना छोड़ दिया और तोते के पैर पर पत्थर फेंका। वह अपनी लकड़ियों की गठरी के पास आया। उसे वापस में कुछ मरे हुए जानवरों के कलेवर झरने के किनारे दिखे। अब राम्या को समझ में आया कि तोता उसे बार बार कलुषित पानी पीने से रोक रहा था। ये मरे हुए पशुओं के शव पड़े, ये और ये राम्या देख रहा है। राम्या ने तोते को मन ही मन धन्यवाद दिया। रोज थोड़ा सा भोजन देने के कारण तोते ने राम्या की इतनी बड़ी सहायता की। यानी कि वो पानी जहरीला था, इसलिए तोते ने लकड़हारे को पानी पीने से मना कर दिया। तो लकड़हारे ने इसको धन्यवाद दिया तोते को।